जिसको जाना है चुपचाप बैठा है कौन? हनुमान जी महाराज। जामुन जी गए जाकर हनुमान जी से बोले, कहै रिछपति सुनु हनुमाना, कहै रिछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे उ बलवाना, का चुप साधि रहे उ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक भी ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक भी ज्ञान निधान, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं कठिन जग माही, जो नहीं होइ तात तुम पाही, जो नहीं होइ तात तुम पाही। जामन जी बोले, हे हनुमान जी आप मौन क्यों बैठे हैं? आप जाएंगे ना उस पार, पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान वेग है आपका, बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं आप, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? कहिए आप पार जाएंगे ना? हनुमान जी चुपचाप, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामुन जी बोले, आप कीर्तन करने आए हैं यहाँ पर? ये कीर्तन करने का समय है, आप क्यों आए हैं पता है? हनुमान जी बोले, नहीं पता। तब जामुन जी ने याद दिलाई उनको, राम काज लगि तव अवतारा, सुन तहिं भयउ पर्वतारा, राम काज लगि तव अवतारा, सुन तहिं भयउ पर्वतारा। जामुन जी ने कहा, हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम जी के कार्य के लिए भया है, उसी कार्य के लिए आपको याद किया जा रहा है, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयाऊ पर्वत आकारा। हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत के समान आकार बना ली अपना, मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो, सिंह की आवाज में दहाड़ मार कर बोलने लगे, सिंहनाद करी बार ही बारा, सिंहनाद करी बार मैं लीलही नाघौ जलन दिखारा, लीलही नाघौ जलन दिखारा, सहित सहाय राम नहीं मारे, सहित सहाय राम नहीं मारे, आनौ इहां त्रिकूट उपारे, आनौ इहां त्रिकूट उपारे। हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे, बोले, जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र को पार नहीं कर पाया, मैं खेल खेल में लांघ जाऊंगा, जाऊंगा उस पार, रावण को पकड़ के आज ही मसल के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को पूरी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी लंका को हाथों से उठाकर आपके सामने लाकर रख दूंगा, क्या करूं, रावण को मार के आऊं कि सेना के साथ सब समाप्त कर दूं कि लंका को उठाकर ले जाऊं, बोलिए क्या करूं? जामुन जी बोले, पहले नीचे आइए, पहले बराबरी में आइए, न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका लेकर आए, इनमें से कुछ मत करिएगा। हनुमान जी बोले, फिर जाऊंगा किस लिए? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, बस सीतहि देखि कहउ तुझे आए, सीतहि देखि कहउ तुझे आए, सीतहि देखि कहउ तुझे आए। जामवंत जी ने कहा, कुछ मत करिए, जाइए देख कर चले आइए, भगवान जाएंगे। कपि से न संग संहारि निश्चर, राम सीत ही आगे है, त्रैलोक पावन सुरस सुर मुनि नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद पद पाथोर म
जामवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मुहि परखे हूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए तब लगी मुहि परखे हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए। कर भगवान को प्रणाम करके एक सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़ गए। सिंधु तीर एक सुंदर, इसी सुंदर नाम के पर्वत से इस कांड की कथा प्रारंभ होती है और इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। सिंधु तीर एक भूधर, हनुमान जी सुंदर पर्वत पर चढ़ गए और बार बार भगवान के नाम का जय घोष करने लगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तरक्यों पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके सुंदर पर्वत से चल पड़े। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक जी, हनुमान जी तब से उड़ रहे हैं, थक गए होंगे, आप यदि ऊपर आ जाएंगे तो हनुमान जी थोड़ी देर आप पर विश्राम कर लेंगे। मैनाक पर्वत ऊपर आए। मैनाक पवन देव के मित्र हैं। श्री हनुमान जी के पिता श्री पवन पुत्र है ना, तो पवन देव के मित्र हैं। मैनाक बाहर आकर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, परिचय बताइए। मैनाक ने कहा, मैं आपके पिताजी का मित्र मैनाक हूं। हनुमान जी बोले, पिताजी का मित्र पिताजी के समान होता है। रुकिए काका जी, हम आपको पहले प्रणाम कर ले। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हा प्रणाम। और उसके बाद बोले, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करके बोले मैनाक जी से कि काका जी, जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। आपको बताऊं, हनुमान जी जब सुंदर पर्वत से उड़े थे ना, हनुमान जी जितने वेग से ऊपर गए उतना ही वेग का बल नीचे लगा। परिणाम अतल बीतल सूतल तलातल महातल रसातल पाताल पाताल तक सब कांप गया। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर चढ़े, पाताल तक सब कुछ डोलने लगा, हो कांपने लगा। देवता लोग रावण के डर के मारे पाताल में जाकर छिपे थे। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। मानस में लिखा है, जब रावण भी चलता था ना तो चलत दसानन डोलत यवन। रावण चलता था तो धरती कांपती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। देवता डर गए, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है वो। एक एक देवता को भेजा गया, जाइए ऊपर पता लगाइए क्यों सब कुछ कांपने लगा। देवता गए, पता लगा कर आए, बोले रावणवा नहीं है, फिर क्यों कांप रहा है। हनुमान जी लंका जा रहे हैं, देवताओं को हनुमान जी पे भरोसा नहीं। तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। सुरसा जी आके खड़ी हो गई, कहती है, आज सुरन मोहि दीन, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, हे बानर मैं तुमको खा जाऊंगी, रुको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, बहुत भूख लगी है क्या। बोले, बहुत जोर से लगी, अभी खाऊंगी। बोले, अच्छा खाओ, मुंह खोलो खा लो। सुरसा ने एक जोजन का शरीर बनाया। एक जोजन माने कितना किलोमीटर, 12। हनुमान जी हो गए 2 जोजन के। अब ये खेल शुरू भया।
जो जन भरत ही बदन पसारा, जो जन भरत ही बदन पसारा, कपितन के न दुगुन बिस्तारा, कपितन के न दुगुन बिस्तारा, सोरह जो जन मुखते भयो, सोरह जो जन मुखते, हनुमान जी तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, अरे सत जो जन से ही आनंद के ना, सत जो जन से ही आनंद के ना, अखिल गुरु पवन सुत गुरु गोस्वामी जी कहते हैं हसुरसा ने सौ जोजन का मुख खोला, सत जो जन तही आनन कीन्हा मुख। जैसे सुरसा ने सौ जोजन का मुख खोला श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीला, लघु नहीं अति लघु रूप बना लिया हनुमान जी ने। सुरसा देखने लिए कहा गया हो, अब सौ जोजन का मुख खोली हनुमान जी लघु रूप बना लिए, दिखाइए ना पड़े उसको। हनुमान जी सुरसा के पेट के भीतर चले गए, मुख में चढ़ के भीतर चले गए। किसने कहा महाराज सुरसा ने मुहवा बंद क्यों नहीं किया, छोटका मुंह है कि पट से बंद हो जाएगा, 1200 किलोमीटर लंबा खोली है, हवाई जहाज उड़ता है तो 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ता है, अभी सुरसा भी उसी स्पीड से बंद कर रही थी, अभी आधा ही बंद कर पाई थी तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। बाहर निकल के हनुमान जी हाथ जोड़ लिए, बोले माई अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं, इस नाते तुम्हार लड़का हो गया मैं, क्या अब भी मुझको खाओगी। सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल और बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले पता लगा? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता लग गया, और मुझसे पार पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया, आप दोनों में श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी जाइए आशीर्वाद देते हो, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर सिचले ओ हनुमान। आशीर्वाद दी कि आप राम जी का सब कार्य करिएगा, बल और बुद्धि का पार भंडार होइएगा, बोलकर सुरसा चली गई। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। ये राहु की मां है। सिंहिका का केवल एक काम था, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ लेती थी, खींचती थी, खींच के पानी में डुबा के मार देती थी। हनुमान जी की परछाई पकड़ ली, लगी खींचने, हनुमान जी बोले आगे जाते जाते नीचे जाने लगा, नीचे देखे बोले अरे तो राक्षसी है खींच रही है। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि क्यों खींच रही है, हनुमान जी शरीर को हल्का छोड़ दिए, लगी खींचने, और जैसे खींचते खींचते पास में लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांध कर बैठे थे और सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका, जय श्री राम, एक मुष्टिका मारा हो वहीं पर बिलबिला के मर गई, वो एक ही मुष्टिका में मर गई। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारी दिपार गयो मति धीरा। सिंहिका को मारकर हनुमान जी महाराज एक शिखर पे चढ़े लंका के, लंका को देखा, जहां देखते थे रखवाले दिखाई पड़ते थे, सोचे दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, संध्या बेला में जब अंधेरा अंधेरा होगा उस समय चलूंगा। संध्या बेला में
छोटा सा रूप बनाया। मशक का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा, जितना बड़ा आकार रहता है उस आकार को मशक कहते हैं। छोटा आकार बनाकर मशक समान रूप कपि धरे, मशक समान रूप कपि धरे, लंक ही चले सुमिर नर हरे, लंक ही चले सुमिर नर हरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, तो कह चलसि मोहिनिंदरे, तो कह चलसि मोहिनिंदरे, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी छोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी छोरा। रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया। लंकिनी कहती है, मैं बैठी हूं और चोर की भांति ये बानर जा रहा है, छिप के जा रहे हैं, यानी चोरी करने आया है। लंकिनी हनुमान जी पर चिल्लाई, बोली, सठ रुकता है कि नहीं रुकता है तू? तू मुझे नहीं जानता, मैं लंका में जो चोरी करने आता उसी को पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे छिपाए थे हाथ, बोले, क्या बोली तुम? बोली, जो चोरी करने आता उसी को पकड़ के खा जाती हूं। क्या छिपाए हो हाथ में तुम? हनुमान जी बोले, नीचे आओ दिखाता हूं, नीचे आओ दिखाओ क्या है, नीचे आओ दिखाता हूं। लंकिनी झुकी, तब तक हनुमान जी मुठिका एक महाकपि हनी मुष्टिका निकाला और लंकिनी के खोपड़ी पर दे मारा। जय श्री राम। मुठिका एक महाकपि हनी, हनी मने हनी मने भर देना, पकड़ के एक मुष्टिका मारा हो खून की उल्टी करके फेंका गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए, बोले, कैसा लगा, कैसा लगा आपको? बोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, मुक्का पड़ा तब पता चला? बोली, नहीं नहीं यही तो पहचान था। रावण को ब्रह्मा जी ने जिस समय वरदान दिया था तो जाते समय ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा था, लंकिनी जिस दिन किसी कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का निकट अंत आ गया है। जो तुझे मारेगा वो कोई साधारण बानर नहीं होगा, वो भगवान राम का दूत हनुमान होगा। तेरी किस्मत बदल जाएगी यदि हनुमान ने तुझे मार दिया तो। लंकिनी ने कहा, आपको कौन रोक सकता है, जाइए जो जो करना है कर लीजिए। प्रभिसी नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाए, करुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा, गयउ दसानन मंदिर माही, गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात मंदिर में, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही, भावनाए का पुनी दीख सुहावा, भावनाए का पुनी दीख सु
सुहावा हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा हरि मंदिर तहां भिन्न ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया। तब तक हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों था? उस घर के मंदिर के दीवाल पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जा। आंगन में नव तुलसिका वृंद तहां देखी हरस कपीरा। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। मंदिर के दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण अंकित किए गए थे। हनुमान जी महाराज रुक गए। लंका में ही भगत जी का घर, हनुमान जी रुक गए। क्यों? अद्भुत मंदिर विभीषण जी का घर हनुमान जी महाराज ने देखा। लंका के उस घर के बाहर हनुमान जी रुक गए। लगे सोचने लंका में भगवान का भक्त कहां से आ गया। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी के द्वार के सामने खड़े हो गए और उसी समय विभीषण जी महाराज भीतर जग गए। और जगने के बाद क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी राम राम बोले। हनुमान जी सोचे लंका के भीतर राम राम, अवश्य भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी सोचे वो राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी लगे भगवान के नाम का गुणगान करने। विभीषण जी महाराज सुने लंका में सीताराम सीताराम, तुरंत बाहर दौड़े। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी थे, ब्राह्मण समझकर विभीषण जी ने प्रणाम किया। विभीषण जी ने पूछा आप हैं कौन? कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोरि करन बड़ भागी। क्या आप भगवान के कोई भक्त हैं? हे ब्राह्मण देवता, आप कहीं राम जी ही तो नहीं आ गए वेश बदल के मुझे धन्य करने के लिए? आप शीघ्र अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले कथा सुननी है ना, मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आपको व्यथा हो जाएगी। क्यों? जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। कथा तो केवल मेरे रघुनाथ जी की होती है। आपको कथा सुननी अभी सुनाता हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा फिर निजना सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी महाराज अपना परिचय नहीं दिए, भगवान की कथा सुनाए पहले, फिर बताएं कि मैं उन्हीं भगवान राम का दूत हनुमान हूं। ऐ विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। विभीषण जी से पूछा अशोक वाटिका में कैसे जाऊंगा? युक्ति लेकर छोटा रूप बनाकर हनुमान जी और उसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए जिसके नीचे मेरी सीता जी बैठी थी। मां पत्तों के पीछे छिपे हनुमान जी विचार करते हैं क्या करूं क्या करूं। उसी समय रावण आया अपने सिपाहियों के साथ, रानियां हैं, सेवक हैं, दासियां हैं, और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत सताया। रावण जानकी मैया से कहता है कि सीता एक बार केवल देख लो मुझे, एक बार बिलोक मम ओरा। ये देखने की बात क्यों कर रहा है? उससे क्या हो जाएगा? वो रावण को नहीं मालूम कि ये नकली सीता है। रावण जानता असली सीता है और असली सीता मैया परम सती है। यदि मेरी मां क्रोध की दृष्टि से देख लेंगी रावण को, रावण उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। रावण चाहता एक बार ये क्रोध से देखे, मैं भस्म हो जाऊं, ब्रह्मा जी की कही हुई बात झूठी हो जाए। सीता मैया से कहता एक बार देखो,
मां ने तिनके कोट में लाया। मां ने कहा निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती, वीर बनता है। हरे रावण तूने एकांत में मेरा हरण किया है, यदि वीर था तो प्रभु के सामने तू हरण करता मेरा, तेरी क्या तुलना है मेरे प्रभु से, मेरे प्रभु सूर्य के समान है और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। अरे रावण सुना मैं जुगनू निकाला चंद्रहास खड़ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने समझाया ये उचित तो नहीं होगा। मांसदान की सेवा में रावण ने त्रिजटा नाम की राक्षसी को बिठाया है मुख्य रूप से। त्रिजटा जी से रावण ने कहा समझाओ सीता को, एक मास के भीतर यदि इसने मेरी बात न मानी इस चंद्रहास खड्ग से मैं सर को धड़ से अलग कर दूंगा एक महीने बाद। डरा कर गया। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी राक्षसियों को बुलाकर कहती है देखो वो जो बोला वो मत ध्यान दो, जो मैं बोल रही हूं उस पर ध्यान दो। क्या? मैंने सपना देखा है अभी अभी थोड़ी देर पहले भोर बेला में, एक वानर आया है। मैंने सपने में देखा वानर आया है, उस वानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 200 भुजाएं कट गई हैं, रावण के 10 सिर मुंडित तो हो गए हैं, रावण के मुख पर काली पुत गया है, गधे पर बैठा है रावण, दक्षिण दिशा में चला गया, विभीषण लंका के राजा बन गए हैं और पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। मैंने सपना देखा है 4 दिन के भीतर सत्य होगा, ये हो ही सत्य गए दिन चारे। राक्षसियां डर गई हो, सीता जी का पांव पकड़ने लगी, बानर से कहिएगा हमारा घर नहीं जलाएगा। जनक सुता के चरण अनि परी, सब पांव पे गिर गई। रात्रि में सीता मैया अग्नि मांगती हैं चंद्रमा से, तारों से, अशोक के वृक्ष से। मां को व्याकुल देख हनुमान जी प्रभु की मुद्रिका मुख में रख कर आए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुख में लेकर आए थे, ऊपर से नीचे गिरा दिया। सोना पीले रंग का हो दूर गिरा, मां समझी कि अशोक ने अग्नि गिराया। मां गई चकित चितव मुदरी पहचान, मां पहचान गई कि ये प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन अगले क्षण मां चिंतित हो गई क्यों ये यहां आई कैसे, माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती और ये मुद्रिका अजेय है, इसे कोई जीत नहीं सकता, तो इस मुद्रिका को मेरे पास यहां लाया कौन। मां व्याकुल हो गई। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं, मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी ऊपर से भगवान की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचम कपिह कलप समपीता, देख परम बिरहा कुल सीता, सोचम कपिह कलप समपीता, राम चंद्र गुन बर नै लागा, सुन नहि माता कर दुख भागा, राम चंद्र गुन बर नै लागा, सुन नहि माता कर दुख भागा, तेरा सब तब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे, मेरी माँ सीता कर कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्रीमान जी महाराज ऊपर से लगे भगवान की कथा गाने, प्रारंभ से अब तक अपने आने तक की कथा गाएं। मेरी मां लगी ध्यान से कथा सुनने, मां का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा बंद भई मां बेचैन, मां कहते हैं भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मां ने कहा हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े, इतने छोटे हनुमान जी नीचे आ गए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सीता मैया ना बानर के फोटो से भी डर जाती थी। हो फोटो अयोध्या कांड में कौशल्या जी ने राम जी से कहा है, राम ये वही सीता है जो चित्र लिखित कपि देख ही डराही। कपि के चित्र से भी मां डर जाती थी, आज तो सही का कपि आ गया। जैसे हनुमान जी नीचे आए मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। मां ने जब मुख घुमाया तो हनुमान जी बोले, मां बिल्कुल सही काम किया आपने, क्यों इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं रहा। मां जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए उस बेटे का मुख देखने योग्य नहीं होता, मां आपने बिल्कुल सही किया। सीता मैया सुनी बार बार मुझे मां कह रहा है, मां ने पूछा कि तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो, तुम बानर हो। तब हनुमान जी कहते हैं, मां राम दूत मैं मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। मां राम जी कहे थे, हनुमान जी ने पूछा प्रभु मैं मां के पास जाऊंगा, मां को कैसे विश्वास होगा कि मुझे आपने भेजा है। तब भगवान ने कहा था कि बात बात में एक बार करुणा निधान बोल देना, जैसे आप करुणा निधान कहेंगे न तो सीता जी जान जाएंगी। क्यों ये करुणा निधान शब्द से ही सीता जी प्रभु को बुलाती थी। सीता जी को यह नाम किसने दिया था, पार्वती मैया ने दिया था, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। कहती है करुणा निधान भगवान कपि को भेजेंगे। मां ने कहा कि ये बताओ तुम तो बानर हो प्रभु नर हैं, आप नर बानर में संगति कैसे हो गई। हनुमान जी ने कही कथा वही संगति जैसे सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हुआ, हनुमान जी मां के पास बैठे प्रभु का सारा संदेश सुनाया। और हनुमान जी कहते मां चिंता मत करना, कुछ दिनों की बात है, कछु का दिवस जननी धरु धीरा, कपियों के साथ प्रभु आएंगे। और एक बात बताऊं आपको, जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं, मेरे प्रभु के बाण रूपी अग्नि में सारे निशाचर भस्म होंगे। कुछ दिनों की बात है, आप धीरज रखिए मां। मैं बताऊं मां मुझसे देखा नहीं जा रहा है, दुहाई राम जी की प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं अभी मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाता यहां से, निशाचर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, मां मैं इतना सक्षम हूं कि आपको यहां से लेके चला जाऊं प्रभु के पास। लेकिन प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है मां, प्रभु ने केवल आपको देखने के लिए कहा। आप चिंता मत करिए मां। जब हनुमान जी ये बात बोले कि अभी उठा के ले जाऊंगा,
हनुमान जी इतने बड़े हैं, अमाई की गोदी में बैठे हैं, मां सोची स्वयं मेरी गोद में बैठा है और हमसे कह रहा उठा के ले जाऊंगा, इसको मैं उठा के बैठी हूं ये बोल रहा है मुझे उठाएगा। मां ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज ये तुम्हारे वाला ही है कि कोई तुमसे भी मोटा चौड़ा बड़ा है? हनुमान जी बोले मां ये नकली है असली नहीं है। मां बोली असली मतलब? हनुमान जी बोले देखना चाहती हो? मां बोली दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष करके जय श्री राम कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर बल वीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने, मां देखने लगी। हनुमान जी बढ़ते 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 अरे बाप मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। मां देखी, मां बोली इतना विशाल। हनुमान जी बोले मां ये मेरा सबसे छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा वाला दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आ, इतना बड़ा। सीता मैया बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जब मां ने ये बात बोली ना हनुमान जी की आंखों से आंसू निकल गए। बोले मां बल नहीं है, मां नहीं बल बुद्धि विशाल, हमारे में केवल इतना ही बल है मां कि हम एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगा ले, बस इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे में ना बल है ना बुद्धि है, लेकिन एक बात बताऊं मां, जिस सांप को गरुण खा लेते हैं यदि मेरे रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो एक छोटा सा सांप भी गरुण को अपना भोजन बनाने की शक्ति रखता है यदि मेरे प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल के भरोसे नहीं करते मां, अपने प्रभु के भरोसे करते हैं। हमारे में बल नहीं है मां। सीता जी से जैसे हनुमान जी ने कहा मां बल नहीं है, मां ने कहा मां के पास बेटा आया है और मां को बेटे को बल न मिले। मां बोली अभी बलवान बनाती हूं, आशीर्वाद दे दिया। आशीष देने राम प्रिय जाना, आशीष देने राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम राम
माँ ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, और सबसे अंत में कहा हनुमान तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पर खूब कृपा करें, ये मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। अंतिम आशीर्वाद शब्द श्री हनुमान जी ने सुना कि करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हनुमान जी मग्न होकर नृत्य करने लगे, खूब कीर्तन किए। उसके बाद बोले माँ भूख लगी है। सुनहु माँ तुम्हें अतिशय भूखा, सुंदर सुंदर रूखे फल लगे हैं माँ, कहो तो खा लू। माँ बोली कि रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ पर लाला। हनुमान जी बोले उनका भय अब नहीं है, क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आ गया है। आप यदि मन में प्रसन्न हो तो अनुमति दो। माँ ने तो बल देख ही लिया है हनुमान जी के रूप को, माँ जानती कि इसे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अकेले सबको निपट लेगा। माँ बोली ठीक है जाओ खाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा देना फिर खाना। हनुमान जी बोले ठीक है माई। अब हनुमान जी जाने के पहले काम याद किए, क्या? राक्षसों को मारना है, लंका में आग लगा देना है, तो ये बाद में करेंगे, पहले मारने वाला काम करते हैं। तो मारा ऐसे जाके थोड़ी मारने लगेंगे, फिर अपने केस में फंस जाएंगे, पहले वो मारे तो हम मारे। अब उसके बाद दर्शन करिए, फल खा ऐसी असर नहीं भया तो फिर तरु तोरे लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे, रखवाले जैसे देखे हनुमान जी की ओर, हनुमान जी जैसे देखे तोड़ के, देखो तोड़ दिया हूं, तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। बाबा कहते हैं चले उन्नाई सिर बैठे ओ बागा, चले उन्नाई सिर बैठे ओ बागा, फल खाए सितर तोड़े लागा, फल खाए सितर तोड़े। ये देखकर रहे तहां बहु भट रखवारे, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाए पुकारे, मारे सि कछु जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, खाए से फल अर बिट पौ पारे, हम लोगों को रक्षक मर दी मर दी नहीं डारे, रक्षक मर दी मर दी नहीं डारे, सुन रावण पठे भट नाना, सुन रावण पठे भट नाना, तिनहिं देख कर देव हनुमाना, तिनहिं देख कर देव हनुमाना, सब रजनी चर कप संभारे, सब रजनी चर कप संभारे, कै पुकारत कछु अध मारे, चला चला संग ले सुभट अपारा, चला संग ले सुभट अपारा, आवत देख बिटप कहीं तर जाता, इन पाती महाधुनि कर जाता, आवत देख बिटप कहीं तर जाता, इन पाती महाधुनि कर जाता। रावण ने मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान बेटा मारना मत, तुम देखना वो क्या कर रहा है, क्यों मारने जाओगे खुद मरी जाओगे। मारे सुजन सुत बांधे सुताही, हो सके तो उसको किसी तरह बांध के ले आओ। मेघनाथ गया, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा कटकटाई कर जाय अनुधावा, कटकटाई कर जाय अनुधावा, अति विशाल तरुए कहु पारा, अति विशाल तरुए और पुरन फिर तकीन लंकेश कुमारा, फिर तकीन लंकेश कुमारा। हनुमान जी ने विशाल वृक्ष लेकर मेघनाथ पे चला दिया,
लेकिन जानता था ऐसे ही मारेगा। मेघनाथ पहले ही कूद के भाग गया, रथ उसका खंड खंड हो गया। माया करके मेघनाथ ऊपर भाग गया, आकाश में चला गया माया करके। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी से भिड़ा। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी, जय श्री मुठिका मारी चढ़ा करु जाई। अब मेघनाथ को ताही एक क्षण मूर्छा आई। मारा हनुमान जी ने बेहोश होकर गिर। हनुमान जी का एक लक्ष्य है रावण के पास पहुंचा जाए, फिर कुछ उत्पात करो कि सब पकड़ के हमको रावण के पास ले जाए। तो पहले से मन में विचार करके उत्पात करना है। चले बाग में, बाबा कहते हैं चले उनाई सिर बैठे उबागा, चले उनाई सिर बैठे उबागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, रहे तहां बहु भट रखवारे, मार सिकछु जाए पुकारे। हनुमान जी गए बाग में फल खाए। फल खाने के बाद वृक्षों की डालियों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। रखवाले गए हनुमान जी के पास। जैसे रखवाले गए, हनुमान जी रखवालों को पकड़े और पकड़ कर इतना रगड़ने लगे, रगड़ रगड़ के मार दिए। पांच छह रखवालों को छोड़ दिया, कहे जाओ रावण को बताओ मैं आ गया हूं, जाओ। रखवाले पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी, एक आवा कपि भारी, देही अशोक वाटिका उजाड़ी, अशोक वाटिका उजाड़ी, खाए सिफल अर्पित पउफारे, खाए सिफल अर्पित पउफारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। रखवाले जाकर बोले रावण से प्रभु एक बंदर आया है, कपी बहुत भारी कपी है, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। रखवालों को तो पकड़ पकड़ के रगड़ रगड़ के मारा है। रावण बोला रगड़ के, हाँ मुड़िया पकड़ के उठा लेता है, सर से पकड़ के उठाकर और धरती में सटा के रगड़ के पीस के मार देता है। अच्छा हाँ, तुम लोग को नहीं रगड़ा, हम लोग को मार देता तो आपको बताता कौन, आपको बताने के लिए छोड़ा। अच्छा इतना बल, बहुत बलशाली है रावण। अच्छा भट्टों को बुलाया, सुनि रावण पठे भट्ट नाना, सुनि रावण पठे भट्ट नाना, तिनहि देख कर जो हनुमाना, तिनहि देख कर जो हनुमाना, सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे, रावण ने भट्टों को भेजा। इनमें से कुछ डरपोक भट्ट थे, डरा गए थे, कहे रखवाले आकर बताए थे कि सिर पकड़ के उठाता है, ऐसे हाथ में उठा लिया और धरती पर सटा के रगड़ के मारता है। इतना डरा गए कि आए तो, लेकिन ये डरपोक जो थे वो पिछवे छिप गए, कहीं ये लोग जाएं, अगर बचेंगे तो हम भी जाएंगे, हम मर जाएंगे तो हम लोग भाग जाएंगे। जो हनुमान जी के पास गया, हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष को उठाया और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगाती हैं, एक ही बार में जय श्री राम मारे, सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे। हनुमान जी के पास जो गया, हनुमान जी सबको मार दिए। जो छिपे थे वो भाग गए, वो नहीं गए हनुमान जी के पास, भागे रावण के पास, मार दिया सबको, मार दिया ये कई बार में मार दिया। रावण बोला तुम कैसे बच गए, और भट्ट बोले हम तो गए नहीं, तो पहले छिप गए थे, हम नहीं गए, जाते तो हमको मार देता। अच्छा इतना बलशाली है। हाँ रावण का एक बेटा था अक्षय कुमार, अक्षय कुमार आया, आपको याद हो अंगद जी कहे थे कि मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता। जानते हैं क्यों? अंगद जी में और अक्षय जी में शत्रुता थी। अंगद जी जानते थे चला तो जाऊंगा, यदि अक्षय कुमार वहां मिल गया तो मार डालेगा, इसलिए बोल रहे थे कि आने का संशय है। हनुमान जी जब चलने को तैयार भए ना, तो अक्षय कुमार ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी और किसी को भले मत मारिएगा,
अक्षय कुमार वहां मिले तो जरूर मारिएगा उसको, उसको मत छोड़िएगा, वही अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार बोला पिताजी मैं जाता हूँ, रावण बोला बहुत बढ़िया, पुनि पठया उते ही अक्षय कुमारा, पठया उते ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभटया पारा, चला संग ले सुभटया पारा, आवत देख बिटप गई सरदा, आवत देख बिटप गई सरदा, साईं पात महाधुन करदा, साईं पात महाधुन करदा। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी देख लिए अच्छा ये अक्षय कुमारवा है, इसको जरूर मारना है। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिए, आवत देखी पिटप कही करदा, हनुमान जी महाराज विशाल वृक्ष लेके दौड़ पड़े। अक्षय कुमार सोच नहीं पा रहा है कि ये खड़की दौड़ क्यों रहा है, और पूरा का पूरा वृक्ष ले जाकर अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा, जय श्री है, जैसे मारा वहीं पर चटनी जैसा पिसा गया हो। ताहिन पात महाधुन कर जा, ताहिन पात महाधुन कर जा, ताहिन पात महाधुन कर जा, ताहिन पात महाधुन कर जा। अब देखिए अक्षय कुमार मर गया, अक्षय कुमार के साथ सुभट आए थे, अभी जो सेवक थे ना सैनिक सब सुभट, वो देखे कि सेनापति मर गया, अब हमारा क्या करेगा। हनुमान जी ने कहा देखो तुम सब लोग चुपचाप बैठो यहाँ पर, सब लोग यहाँ बैठो। कुछ तो बैठने लगे, कुछ सोचे भाग ले, जैसे भागने के लिए तैयार हुए हनुमान जी, समझ भागने वाला हनुमान जी एक मुक्का, एक मुक्का मारा पिचा गए उसी में, पकड़ पकड़ कर हनुमान जी मारना शुरू किए, कुछ को तो मार दिया, कुछ को पकड़ के रगड़ने लगे। जब रगड़ाई शुरू भई ना तो बाकी वाले कहा ना हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे भाई, हम नहीं जाएंगे, हम बैठेंगे, बाकी सब बैठ गए। हनुमान जी कहे चुपचाप बैठो, भागना मत। सभी राक्षसों को बिठा के हनुमान जी, जानते हैं यहाँ लिखा है धूल, जानते हैं धूल, धूल जमा करने लगे धूल। अब राक्षस परेशान, आखिर धूला का करेगा काई, कितना धूल जमा कर रहा है। एक राक्षस ने हनुमान जी से पूछा ये बानर भगवान आप इतना धूला क्यों जमा कर रहे हैं। हनुमान जी बोले नहाते नहीं हो तुम लोग ना, शरीर से बदबू आ रही है, आज सबकी रगड़ाई करके सफाई करूंगा मैं, धूला में सबको साफ करूंगा। हनुमान जी लिखा है पहले कछु मारे सी कछु मर देसी, और उसके बाद पकड़ते हैं 20-25 को ला के धूला में खड़ा करते हैं, खड़ा करके कछु मिलिए सीधर पकड़ के धूला में रख के एकदम सानना शुरू कर दिए, आंख में नाक में कान में मुंह में पूरा धूला धूल लाते हैं, धूला में रगड़ाई करते हैं, रगड़ रगड़ के बिठाते जाते हैं, मानो 100 पीस बन गए सब, सर से पांव तक धूले धूल रगड़ रगड़ के बिठाते जा रहे हैं। इसी में से एक को चांस मिल गया, भाग लिया, पहुंचा रावण के पास, जाकर कहता है मर गए, मर गए, सब मर गए, आपका बेटा मर गया। रावण बोला कौन हो तुम? बोला सुभट हूं सरकार, इतना धूला बोलते मेरे को कम लगा है, कई लोग तो किए नहीं खोल पा रहे, खाली धूला धूल भरा है, मर गया आपका बेटा, मर गया। और बताएं रखवालों ने गलत किया था, कहा था कि कपि आया है, कपि नहीं मरकट आया है। रावण बोला मरकट कौन जीव है? बोला प्रभु बहुत मारता है, इतना मारता है सोच नहीं सकते आप, और जहां समय मिला तुरंत काट लेता है, मारता है और काटता भी है, मरकट आया है। अच्छा, रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ लेकिन सावधान मारना मत बेटा, बांध के लाओ, तुम्हारे भाई को मार चुका है। मेघनाथ ने उस सुभट से पूछा ही बताओ मेरे भाई को मारा कैसे, उसने कहा कुछ नहीं, विशाल वृक्ष उखाड़ कर और तुम्हारे भाई के ऊपर चला मारा। अच्छा ऐसे मारता है? बोला ऐसे नहीं, कैसे भी मार देता है, ये मत समझिएगा कि आपको भी ऐसे मारेगा, फ्री स्टाइल का है, कैसे भी पटक के मार देगा। अच्छा चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण
विशाल वृक्ष लेकर हनुमान जी ने मेघनाथ के ऊपर भी चला दिया। ये तो कहिए मेघनाथवा भाग लिया था पहले ही, बच गया, रथ उसका खंड खंड हो गया। मेघनाथ चला गया आकाश में, क्यों लड़ूंगा नहीं, बहुत बलशाली है। जैसे मेघनाथ ऊपर गया हो, हनुमान जी महाराज क्या किए, उसके साथ जितने सेवक आए थे सैनिक महाभट, आप लोगों ने बंदर देखा है, बंदर 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 के शरीर में कितने बाल होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं। माई लोग घर में कपड़ा साफ करती है ना ब्रश से, उसमें प्लास्टिक का कांटा लगा रहता है। हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे ना, सबको सुई जैसा खड़ा कर लिया, एक एक बाल सुई जैसे खड़े हो गए शरीर के, पूरा शरीर सर से लेके पांव तक एक एक बाल सुई बन गया, खड़ा है। मेघनाथ तो ऊपर भाग गया डर के मारे। अब इसके साथ जो सिपाही थे ही कहां भागे, हनुमान जी 50 को इधर पकड़े, 50 को इधर पकड़े, पकड़ कर लाए हैं, सब नाच रहे, पाक कूद रहे, भागने का प्रयास कर रहे। पूछते राक्षस, क्या करोगे, क्या करोगे? हनुमान जी कहे, तुम सबका फेसियल करूंगा आज मैं, सबका। ऐ पकड़े हैं 50 इधर 50 इधर, और पकड़कर पूरा शरीर सुई से भरा है, और हनुमान जी दोनों हाथ से राक्षसों को पकड़कर अपने शरीर में एक साथ कहीं कहीं काफी मारता है, पकड़ के लगे रगड़ने, नाक आंख कान मुंह पेट पूरा शरीर छिल गया, रगड़ते हैं रगड़ते खाते हैं। काले काले राक्षस रगड़ाई के बाद गोरे गोरे हो गए, पूरा शरीर छिल गया, रगड़ा के इधर बैठ रहे हैं। तो बगल वाला दूसरे पूछता, तुम कौन हो? तो बोला, मैं कलुआ हूं। अरे कलुआ इतना गोरा हो गया? इतनी रगड़ाई शुरू किए हनुमान जी, राक्षस चिल्लाने लगे, युवराज बचाओ। मेघनाथ देखा ऊपर से, बाप रगड़ रहा है, मेघनाथ आया है, हनुमान जी से भिड़ा। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारा है उसको, एक मुक्का मारा, वही बेहोश होकर गिर पड़ा। एक के मुक्का में बेहोश हो गया हो, यहां लिखा है मुठिका मार किसको, मेघनाथ को, चढ़ा तरु जाए। एक मुक्का हनुमान जी मारे, बेहोश होकर गिर गया। उसी के ऊपर एक पेड़ था, हनुमान जी उस पर चढ़ के बैठ गए। अब बैठ के देखने लगे, काहे उठे तो फिर मारूंगा, बेहोश है ना, उठेगा तो फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा खुल गई, लेकिन देखिए आंख नहीं खोल रहा, क्यों? कनखी से देख लिया था ऊपर बैठा है, सोचा बाप एक मुक्का मारा तो बेहोश कर दिया, दूसर का मारेगा तो राम नाम हो जाएगा, लड़ूंगा नहीं, इतना बलशाली। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत उसको। निकाल लिया ब्रह्मास्त्र, किसने, मेघनाथ ने, ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। आप सब जानते हैं हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र ऐसे फेल हो जाएगा। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो महिमा घट जाएगी, चलाया है हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए। जैसे ब्रह्मास्त्र आया, लिखा है तेही देखा कपि मूर्छित भयउ, देखकर बेहोश होने का नाटक करके हनुमान जी गिर गए। कहां गिरे? खाली में नहीं गिरे, गिरते समय भी राक्षसों के ऊपर गिरे, दबा के 50 को मार दिया, 50 दबा के मर गए। हनुमान जी महाराज आंख बंद करके पड़े, जुठे आया मेघनाथ, अब आया उठ पहाड़ के नीचे, उठा के ले चलो। कौनो राक्षस उठाने नहीं जा रहे थे, मेघनाथ ने बोला उठाओ, एगो राक्षस बोला तुम ही उठाओ, तुमको नहीं रगड़ा है ना, हम लोग को रगड़ा है, अब तक पूरा शरीर भवा रहा, परपरा रहा है, जहां जहां रगड़ा है। एक 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 सिपाही ने कहा, युवराज हाथ बहुत खतरनाक है इसका, उसी से तो पकड़ता है, हाथ पहले बांधिए इसका। नाग पास में बांधा हनुमान जी को, राक्षस सब हनुमान जी को उठाकर लेकर जाने लगे।
हनुमान जी महाराज पड़े हैं आंख बंद करके, राक्षस लेके जा रहे हैं। हनुमान जी तो मूर्छित है नहीं, नाटक कर रहे हैं। धीरे से आंख खोल लिए, अच्छा कलुआ उठाया है, अच्छा राक्षस देखे, अरे बापरी तो जगह है। अब राक्षस कहने लगे, हे हनुमान जी सही बता, कसम से हमने उठाए, एकदम कसम, हम तो मना कर दिए थे, उमेघनाथवा जबरदस्ती हम लोग से उठवाया है, हम में से कोई तैयार नहीं था उठाने के लिए, उमेघनाथवा उठवाया है। रगड़िएगा मत तब आप एक बार प्लीज, अब तक पूरा शरीर भभा रहा है, हाँ प्लीज बहुत दुखाता है, आप रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले, एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा। बोले कौनो शर्त मंजूर, बस रगड़ाई मत करिएगा आप। हनुमान जी बोले, जो बोलता हूं बोलोगे, कुछ भी बोलेंगे हम, जो कहिएगा कहेंगे, बस रगड़िएगा मत आप। हनुमान जी बोले, मेरे साथ मिलकर बोलो, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ आगे आगे था, सुना राम सिया राम सिया, हमारे सिपाही पीछे घूम के देखा, उसी के सैनिक राम सीता गा रहे थे, चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम। राक्षस बोले, ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है, आपको क्या मालूम, बेहोश है, सब देख रहा है, हम लोगों का तो हो गया है, आप बाकी हो, है बहुत मजा आता है रगड़ता है, तो आप भी राम सीता बोलो, नहीं तो आपको रगड़ेगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लेकर गए हैं रावण की सभा में। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया, बहुत समझाया हो, लेकिन देखिए, समझाया उसको जा सकता है जो न समझा हो, जो पहले से समझ कर बैठा है कि किसी के समझाने पर समझना नहीं है, उसको भगवानों नहीं समझा सकते। रावण ने मृत्यु दंड का आदेश दिया हनुमान जी के लिए, विभीषण जी ने कहा उचित नहीं है, दूत है, दूत के प्राण नहीं ले सकते। रावण सोचने लगा क्या करूं, तो देखा कि हनुमान जी महाराज अपन पूंछ लेके सुहरा रहे थे। अच्छा, इसको पूंछ पे बड़ा प्रेम है, कपी के ममता, आग लगा दो पूंछ में, पूंछ में। अच्छा आप बताओ, आग लगाने का आदेश किसने दिया, कहिए कहिए। हाँ, रावण ने। लोग कहते हैं हनुमान जी ने महाराज लंका जला दी, साधु किसी का घर जलाता है क्या, काहे हनुमान जी को बदनाम करने पे पड़े हैं आप लोग। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, फिर रावण ने लंका जलवा दी अपनी। अरे आग लगाने का आदेश उसने दिया, कपड़ा उसके घर से आया, तेल उसके घर से आया, माचिस उसने मारा, तो आग क्या हनुमान जी लगाएंगे। आप बताओ, जिसकी पूंछ में आग लग जाए वो बेचारा शांत बैठेगा, हाँ वो तो बेचारा ऐसे ही उछल कूद करेगा। हनुमान जी के पूंछिया में आग लगा दिए सब, हनुमान जी महाराज लगे उलट पलट करने। हनुमान जी के 49 मरुतगण भाई आए और उसी बीच में पूरी लंका धू धू करके जल कर भस्म हो गई। समुद्र में कूद कर हनुमान जी ने पूछ की अग्नि को शांत किया है और मां से चूड़ा मड़ी लेकर पहुंच गए भगवान के पास। हनुमान जी राम जी को जाकर मां की पूरी सूचना दी। प्रभु परम प्रसन्न, भगवान ने प्रश्न किया, ये बताओ लंका नगरी जहां पवन भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते, वहां जाकर आप सब जलावला दिए, कैसे किया। हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने नहीं किया, किसने किया, आपकी कृपा ने किया। यही देखिए, यही भक्त की चेतना में और साधारण जीव की चेतना में अंतर है। साधारण जीव कहता है मैंने किया, और भक्त क्या कहता है, एक बात, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम
के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हनुमान जी क्या बोले, सो सब तव प्रताप रघुराई।
मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया प्रभु आपके प्रताप ने किया। प्रभु प्रसन्न भय, हनुमान जी को अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान की है। कपियों को लेकर प्रभु समुद्र तट पर पहुंचे। इधर देखिए, आपको एक बात मैं बताऊं, रावण जब विश्व विजेता बनने जाता था ना, युद्ध करने जाता था कहीं लंका से बाहर, तो उस समय लंका के उपराष्ट्रपति विभीषण जी थे। राष्ट्रपति कौन था? रावण। उपराष्ट्रपति कौन था? विभीषण जी। लाल बत्ती मिली थी इनको भी। रावण अपने भाई विभीषण जी को बहुत प्रेम करता था। आप बताओ, जिस रावण के राज्य में वेद पुराण की कथा पर पाबंदी थी, उसी रावण के राज्य में उसका उपराष्ट्रपति भगवान का मंदिर बना के बैठा है। क्या रावण को पता नहीं था? क्या रावण को सब मालूम था? ये भी मालूम है कि मेरा भाई भगवान का भक्त है। रावण सोचने लगा, यदि विभीषण यहाँ पर रह गया तो मेरे साथ मेरा भाई विभीषण भी मर जाएगा। ये भक्त है, भक्त को भगवान के पास जाना चाहिए, लेकिन विभीषण जी तो मेरे को छोड़ के जाएंगे ही नहीं। फिर रावण ने उपाय निकाला, क्या? अपमानित करो विभीषण को, अपमानित करो तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, और मुझे छोड़ के चला जाएगा भगवान के पास तो हम सब लोग मर जाएंगे, तो मेरे लंका को विभीषण जैसा साधु राजा प्राप्त मिल जाएगा, है इसको भेजना है यहां से, लेकिन जाएगा नहीं। फिर अपमान करो। रावण ने पांव से मारा विभीषण को जानबूझकर। क्यों? छोड़ के चला जाए। अपमान होने पर विभीषण जी महाराज प्रभु के पास पहुंचे, और आपको बतावें, जाते जाते राम जी ने विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया, आने वाला राजा। अस कहि राम तिलक तहि सारा, समुद्र जल मंगा कर भगवान ने राज्य अभिषेक कर दी, भाग जाएगा। नीति, किसी को अपना बनाना हो ना तो कुछ दिन उसकी बात माननी चाहिए। भगवान प्रार्थना में बैठ गए। इधर विभीषण जी के पीछे रावण ने दो गुप्तचरों को भेजा है, सुख सारण, पकड़ा गए दोनों। जानते हैं कैसे पकड़ाए? दोनों बंदर बन के सेना में शामिल हो गए थे, तो रोज रात शाम को ना कीर्तन होता था, सबका नंबर आता था, आदि कीर्तन करेंगे, कलु कीर्तन करेंगे। पकड़ में आ गए सुख सारण, बंदर लोग मारने लगे, नोचने लगे, राम जी की सौगंध देकर बचाया है। लक्ष्मण जी ने पत्र दिया, गए रावण के पास। रावण ने कहा, सेना कितनी बड़ी है? सुख सारण कहते हैं, 18 पदम तो केवल सेनापति है। अच्छा, ये बताओ सबसे वीर योद्धा कौन है? सुख सारण कहे, बहुत बड़ी सेना थी, पता नहीं लगा पाए। हाँ, वीर का तो पता नहीं चला, कमजोर का पता चल गया है। उस सेना का सबसे कमजोर योद्धा कौन है? रावण बोला, कौन है? सुख सारण कहते, वही जो लंका जला कर गया था, लंका को जलाया, उसका बल सबसे कम बल है सेना में, ऐसा एक भी कपि नहीं जो युद्ध में आपको परास्त न कर डाले। ये लीजिए लक्ष्मण जी का पत्र। सुख सारण ने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मार कर भेजा है। दोनों मुनि थे, श्राप के कारण असुर हो गए थे। इधर 3 दिन बीत गया, मार्ग नहीं मिला। प्रभु ने लक्ष्मण जी से मांगा तीर धनुष, जैसे प्रभु ने धनुष पर बाण रखकर अनुसंधान किया है, समुद्र को सोखने लगे के लिए पूरे समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट भय है, क्षमा याचना किए। यहां पर एक बात समझिएगा, यहां पर एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। ताड़ना मने पीटना ना। लोग कहते हैं, महाराज यहां गोस्वामी जी कहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इन सबको पीटना चाहिए। ये अर्थ का अनर्थ है। ताड़ना मने पीटना नहीं होता, ताड़ना मने देखना होता है, अवधि है ना। अवधि में कहते, हम तुमको 5 दिन से ताड़ रहे हैं, हाँ तुम क्या कर रहे हो?
समुद्र नारायण कहना चाहते हैं प्रभु पांच तत्व हैं, गगन, समीर, अनल, जल, धरणी। इन पांच तत्व के साथ व्यवहार करना है तो इन पांच को देखना चाहिए, ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी। जैसा व्यवहार इनके साथ होता है वही व्यवहार इन पांच तत्व के साथ करना चाहिए। आप ऊपर नीचे जब लिखेंगे ना, गगन, समीर, अनल, जल, समुद्र जल है ना, जल, ढोल, गवार, शूद्र, पशु, जल के नीचे पशु आएगा। क्या मतलब? समुद्र नारायण कहते हैं प्रभु जिस प्रकार पशु को बांध के रखा जाता है उसी प्रकार जल के साथ व्यवहार करना चाहिए। यदि जल को पार करना है तो पहले आप जल को बांधिए, मेरे पर सेतु बंधन कराइए, उसके बाद मुझे पार कराइए। ऐसे में जब पार रास्ता देने वाला नहीं है। आपकी सेना में दो कपी हैं, नल नील, बचपन में आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी अपनी ओर से सहयोग करूंगा। आप जाकर रामेश्वरम में देखिएगा, रामेश्वरम के समुद्र में लहरें नहीं हैं, समुद्र शांत है। क्यों? समुद्र देव ने वचन दिया था मैं लहरों को शांत कर लूंगा। क्यों? लहरें रहेंगी तो पत्थर इधर उधर बिखर जाएंगे, लहरें शांत हो जाएंगी तो पत्थर एक साथ रहेंगे। इसलिए समुद्र आज भी वचन का निर्वाह कर रहे हैं। वहां पर भगवान ने कहा इस बाण का क्या करो? समुद्र नारायण ने कहा प्रभु मेरी उत्तर दिशा में राक्षस हैं, छोड़िए मर जाएंगे। यहाँ पर बाबा कहते समुद्र नारायण निज भवन गवन सुख भवन संशय समन दमन पिशाच रघुपति गुण गना, सुख भवन संशय समन दमन पिशाच रघुपति गुण गना, हरि सकल आस भरोस गावन सुनै संतत जग मना, हरि सकल आस भरोस गावन सुनै संतत जग मना, आ सुनै संतत जग मना, आ सुनै संतत जग मना। समुद्र नारायण अपने घर विदा लेकर जाते हैं। यहां पर नल नील सेतु बंधन प्रारंभ किए और उसी समुद्र के तट पर भगवान राम ने भगवान शिव के एक दिव्य लिंग की स्थापना की है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की।